आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपलम टॉप कैसे बनाते हैं विद प्लाजो के साथ। तो मेरे पास ये वाली साड़ी है और यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग को ले लिया है। अब ये साड़ी को हम पहले खोल के देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पल्लू वाला हिस्सा है और इसे यहाँ तक अब हमारा पल्लू वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद ये वाला जो है नीचे वाला सेंटर पार्ट है जो हम प्लाजो में यूज़ कर लेंगे और जो पल्लू वाला पार्ट है उसे हम पेपलम टॉप में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फॉल जो होती है उसे हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो ये बॉर्डर है इसे भी हम निकाल के रख लेंगे। अब हम पेपलम की कटिंग करेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये अस्तर लिया है मैंने, इसे टू फोल्ड में बिछा लिया है और हम इसकी लेंथ 15 इंच ले लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अब ऐसे ही जो भी हमारा यहाँ पर शोल्डर होगा उसका हम हाफ ले लेंगे और ये हमारा डीप नेक है तो उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करके जो भी शोल्डर आएगा वो हम रख लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल 6.5 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने लिया था 6.5 और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे तो शेप देने के लिए देखिए यहाँ पे हमें पहले 1/2 इंच आगे की ओर इस तरह से मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक का जो ये आर्म होल हम बनाएंगे वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हम गला ले लेते हैं 2.5 इंच और यहाँ पर हम 1/2 इंच देखिए शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हम 10 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट आएगी देखिए ये 11 आ रही है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच कम कर देंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच और इस तरह से मार्किंग करके ऐसे हम शेप दे देंगे। देखिए ऐसे शेप दे देंगे। अब जो भी हमारा कमर होगा उसको हम मार्क कर लेंगे, 9.7 आ रहा है, ऐसे मार्क करके 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे टॉक्स के लिए। ऐसे मार्किंग करके अब इन लाइनों को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और हम मार्जिन की लाइन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ शेप तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे से हम 5 इंच ले लेंगे और ऐसे हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके साइड में 1/2 इंच की इस तरह से क्रॉस में लाइन करके टक्स को तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की भी शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से ये फ्रंट एंड बैक वाली आर्म होल की शेप हमने दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए डबल फोल्ड में हमने बिछा के रखा था इसे, तो पहले हम कट कर लेते हैं और बैक वाले पार्ट को हमने निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करके बैक वाले हिस्से को हम निकाल लेंगे और फिर हम फ्रंट की इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो साड़ी है इसमें से हम ये जो बॉर्डर है हमारी हम उसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी बॉर्डरों को पहले निकाल लेंगे। ये हमारी बॉर्डर निकल चुकी है। अब यहाँ पर जो पल्लू वाला पार्ट है उसे हम ले लेंगे और जो हमारा हमने जो कटिंग की है टॉप वाले पार्ट की इसे इसके ऊपर रख कर अच्छे से फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके डबल फोल्ड करके अब इसे फ्रंट एंड बैक की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाले पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे नीचे जो टॉप के नीचे जो लगे या घेरा उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए जो ये लेफ्ट ओवर जो भी हमारी साड़ी है, अब देखिए ये जो पल्लू वाला पार्ट है इतना कुछ हमारे पास बचा हुआ है और यहाँ पर देखिए हम पहले पल्लू वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पहले से कट कर लेंगे क्योंकि हाफ जो पल्लू वाला पार्ट था वो हमने टॉप वाले पार्ट में ले लिया है। अब जो ये नीचे का जो घेरा फ्रिल होगी उसके लिए देखिए इतना कुछ हमारा पल्लू वाला हिस्सा बच गया है। तो
तो इसे हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। अब बिछाने के बाद अब ये जो बीच में जो सेंटर है उस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारे दो हिस्से में तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम दो पीस कट कर लेंगे, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। अब कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्की हल्की चुन्नटे लगा के इसे तैयार करना है। देखिए और फिर उसके बाद चुन्नटे लगाने के बाद जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको भी हम अच्छे से चारों ओर पहले सिलाई कर लेंगे और फिर नीचे वाले पार्ट को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। और ये मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं उसकी मैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट आर्म होल भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसके नीचे हम ऐसी कुछ ये लेस को अटैच कर लेंगे, तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरह से कुछ तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम गले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे मैं 10.5 पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा गला है वो डीप नेक है, तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और हम गले का शेप तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बैक वाले पार्ट को हमने शेप दे दिया है, फ्रंट वाले हिस्से की भी हमने इस तरह से शेप दे दी है। अब हम यहाँ पर जो ये टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए टक्स लगा दिया है और चारों ओर मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। अब इसके बाद जो ये नीचे टॉप वाला पार्ट था उसमें देखिए मैंने इस तरह से चुन्नटे दे दी है और यहाँ पे जो ये लेस थी उसे भी अटैच कर लिया है। डबल लेयर में मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब सबसे पहले जो ये ऊपर वाला टॉप पार्ट है इसमें हम पहले गला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने गले को भी अटैच कर लिया है, ऐसे हम सीधा रख के फिर हम शोल्डर को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर को यहाँ पर अटैच कर लिया है और ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम अटैच करेंगे, तो यहाँ से हल्का सा हम 2 से 2.5 इंच जितना हम साइड से खोल लेंगे और फिर सेंटर में हमारा चुन्नटे वाला पार्ट आ जाएगा और साइड में वो सिलाई में दब जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे वाला पार्ट जो है उसे मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद साइड की फिटिंग हम दे देंगे। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। और ये रहा हमारे पैम्पलम कुर्ती का विद प्लाजो के साथ फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।